हेलो एवरीवन, आज है 26 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। तो देखिए, टाटा पावर का शेयर अभी 62 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी 4.5% की दमदार रैली हमें टाटा पावर के शेयर में देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि शेयर ने पिछले कुछ वक्त की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इसने बहुत ही कम वक्त में आपका पैसा डबल कर दिया है। तो वीडियो में बात करना बनता तो है कि क्या अभी भी खरीदारी करना यहाँ पर सही रहेगा कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा पावर का शेयर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 62 रुपीज के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, और पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में टाटा पावर का जो शेयर है उसमें 28% की दमदार रैली देखने को मिली है। 48 रुपीज के आसपास से शेयर आप देखिए ऊपर ही ऊपर दौड़ा है, और 62 रुपीज अब तक का सबसे बड़ा हाई, पिछले एक महीने का सबसे बड़ा हाई इसने बना दिया है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में टाटा पावर का जो शेयर है उसमें 12% का ग्रोथ है। देखिए, कोविड के चलते जो गिरावट आई थी और शेयर 27 रुपए तक टूट गया था, उससे उस गिरावट से ये शेयर ऑलरेडी बाहर आ चुका है और ऑलमोस्ट पैसा डबल से भी ज्यादा इसने बना के दिया है। तो काफी बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिली है, और आप देखिए शानदार रैली है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करें तो ये वो लेवल्स थे जहां पर मैं टाटा पावर को लेकर कंटिन्यूअस वीडियो बना रहा था, और मैं आपको कह रहा था कि अभी भी मौका है खरीदारी करने का, डरने की जरूरत नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, बढ़िया इसका फ्यूचर है, अभी और आपको ये शेयर ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये मैं आपको पिछले काफी वक्त से बताता आया हूँ, जब से ये गिरावट आई थी और जब से इसने तेजी में आना शुरू किया। इवन तेजी की शुरुआत तब हुई थी जब इसके नतीजे बहुत ही शानदार आए थे मार्च क्वार्टर के, और तभी मैंने वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म किया था कि अब ये शेयर रुकने वाला नहीं है, अब इसमें और बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। और वही हुआ है, शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में टाटा पावर का शेयर में 20% की गिरावट है। अब देखिए, 100 रुपए तक का हाई बना था, कंटिन्यूअस शेयर टूटता हुआ देखने को मिला, लेकिन अब धीरे धीरे इसके दिन बदलते हुए देखने को मिल रहे हैं। काफी अच्छी रिकवरी है और काफी बड़ा मुनाफा कमाया है, काफी बड़ा मौका दिया है निवेशकों को पैसा कमाने का। 10 साल में हालांकि 48% की गिरावट है, 140 रुपए शेयर कंटिन्यूअस टूटा है, लेकिन अब धीरे धीरे तेजी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। मिड कैप शेयर है ये, 16,365 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें एनएससी में देखें तो तकरीबन 7.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास 37.22% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 12.89% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 14.26% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 14.96% की होल्डिंग है। तो आप देखिए, फंड हाउसेज के पास बहुत सारी होल्डिंग इसकी देखने को मिल रही है, FIS के पास 12.89% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास भी तकरीबन 15% की होल्डिंग, और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी तकरीबन 15% के आसपास की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े फंड हाउसेज यहाँ पर ओन करते हैं। प्रमोटर की बात करें तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 35.27% की होल्डिंग है, और प्रमोटर के द्वारा तकरीबन 4% की होल्डिंग हमें गिरवी भी देखने को मिली है। 34 म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया, 34 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपना पैसा लगाया है, 160 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 14.39% के आसपास है। और देखिए, डिविडेंड बहुत ही दमदार पे किया है। जुलाई महीने में जब ये शेयर 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, ऐसे वक्त में इसने 1.5 रुपए का डिविडेंड पे किया है, 155% का डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर 1.55 रुपए का डिविडेंड पे किया है। तो बहुत ही बड़ा और दमदार डिविडेंड इन्होंने पे किया है। तो वाकई में डिविडेंड से काफी लोगों को यहाँ पर मुनाफा भी हुआ, काफी बड़ा फायदा भी हुआ है डिविडेंड से। अगर हम बात उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो मनी कंट्रोल में जो इसके सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है कि टाटा पावर का जो अभी अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग की अगर हम बात करने जाए मनी कंट्रोल में, तो जो टेक्निकल रेटिंग इनकी निकल कर सामने वो काफी शानदार है, काफी शानदार टेक्निकल रेटिंग अभी भी इसकी देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर तकरीबन 80% लोगों का व्यू है कि भैया खरीदारी करो, डरने की कोई बात नहीं है, दमदार क्वालिटी का शेयर है, आने वाले दिनों में और ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा, ऐसा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोगों का ये कहना है, जबकि 19% लोग आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की भी सलाह यहाँ पर दे रहे हैं।
और तो और अगर हम बात करने जाए तो मॉर्गन स्टेनली की जो रेटिंग है यहाँ पर, वो भी मॉर्गन स्टेनली अपनी रेटिंग को मेंटेन किया है, ओवरवेट की जो रेटिंग थी वो इन्होंने मेंटेन किया है। इससे पहले भी एक और खबर आई थी कि इंडियन होटल्स में टाटा पावर जो है वो सॉरी टाटा पावर जो है वो सोलर एनर्जी पूरी की पूरी सप्लाई करेंगे मुंबई की होटलों में, तो वो भी काफी बड़ी अपडेट यहाँ पर थी। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जेफरीज ने भी अपनी जो अंडर परफॉर्म की जो कॉल थी उसको मेंटेन रखा है। तो बड़े बड़े दिग्गज हाउसेस की इनको लेकर कमेंट्री है। पिछले 2 क्वार्टर के अच्छे नतीजे ने इस शहर को वाकई में एक अच्छे मुकाम पे लाके रखा है। मार्च 2020 में 160 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था, जो काफी बढ़िया था। और यही वो वक्त था जब ये मुनाफा हुआ, तब शेयर 27 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। और तभी मैंने वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म किया था कि अब यहाँ से इसकी आपको किस्मत बदलते हुए देखने को मिल जाएगी। और शेयर तब से रुका नहीं है, ऊपर ही ऊपर दौड़ा है। 160 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2020 में कमाया, और जून के भी नतीजे जो आए वो उतने बुरे नहीं थे। 90 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा इन्होंने जून 2020 के क्वार्टर में कमाया है। तो काफी अच्छे प्रॉफिट्स इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। और देखिए पेंडेमिक में क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनियों को प्रेशर झेलना पड़ा, लेकिन जो पावर सेक्टर की कंपनी थी उनके ऊपर कोई खासा असर नहीं पड़ा। पावर सेक्टर की कंपनियां दौड़ती रही और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती रही, और इसी के चलते उनके नतीजे भी बेटर आए और शेयर में भी आपको तेजी देखने को मिल गई। यहाँ पर हम देखें तो प्रमोटर जो है वो कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। 33% की होल्डिंग 37.22%, मतलब प्रमोटर काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं अपनी कंपनी को लेकर। प्रमोटर का ये मानना है कि आने वाले दिन में और अच्छा परफॉर्म कर सकता है ये शेयर। तो प्रमोटर यहाँ पर कंटिन्यूअसली खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी करने के अलावा प्रमोटर जो गिरवी रखे हुए शेयर्स हैं उनको भी छुड़ा रहे हैं। 4.34% की जो होल्डिंग पहले गिरवी थी, आज वो 3.85% की होल्डिंग इनके गिरवी देखने को मिल रही है। तो काफी अच्छी बात है, प्रमोटर काफी यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, और बड़े बड़े फंड हाउसेस ने भी अपना भरोसा इस कंपनी के ऊपर जताया है। टाटा पावर के बारे में मैं इतना कहूंगा कि अच्छी कंपनी है, धीरे धीरे जो दिक्कतें थी वो उससे ये कंपनी बाहर निकल कर आ रही है, और आने वाले दिनों में कंपनी और ज्यादा फंड रेज करेगी, और कंपनी के पास इनफ लिक्विडिटी ऑलरेडी है जिससे कंपनी अपना जो परफॉर्मेंस है वो करती रहे और अपने बिजनेस को आगे चलाती रहे। टाटा पावर मुझे लगता है कि अभी भी दमखम है, अभी भी इसके पास शॉर्ट टर्म में 65 और लॉन्ग टर्म में 70-75 रुपए तक जाने का दमखम है। तो खरीदारी की है तो बने रहो, और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, डरने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। और खरीदारी की है तो बने रहो, लेकिन अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो अगेन मैं कह दूं एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। ये मैं आपको काफी वक्त से कह रहा हूँ, जब भी गिरावट है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड करते रहो, और एक साथ नहीं लेकिन कुछ कुछ वक्त के फासले में आप खरीदारी करो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा शेयर है जरूर, शॉर्ट टर्म में 65 और लॉन्ग टर्म में 75 के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसी बार वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें, अगर चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।